नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। एक साल में चार नवरात्रि आती हैं, जिसमें दो प्रत्यक्ष नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि होती हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो वहीं गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना व उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में भक्त त्रिपुर भैरवी, मां धूम्रावती, मां बंगलामुखी, मां काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता मातंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। इस पूजा से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कल से यानी 11 जुलाई 2021 से शुरू होने जा रही है। ऐसे में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वहीं कुछ काम ऐसे भी हैं जो इस दिन जरूर होने चाहिए। तो आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के 9 दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। मां दुर्गा स्वयं एक नारी हैं, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना होगा। जो नारी का सम्मान करते हैं, मां दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती। वहीं नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान भी ना करें। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो नवरात्रि के दौरान नहीं होने चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल स्काई के साथ।